क्वेश्चन देख लियो। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन इन टू कॉमा थ्री। सोल्यूशन, फर्स्ट ये इक्वेशन लिख लियो, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। पर मैं इसे लेट एफ ऑफ एक्स करके लिख लियो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन। अब क्या करना, फर्स्ट एफ ऑफ टू फाइंड करना। एफ ऑफ टू कैलसी में इसे टाइप कर लियो, कैसा टाइप कर लेना, फर्स्ट कैलसी को थ्री डेसिमल रख लियो, शिफ्ट मोड सिक्स थ्री, बाद में एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन करके टाइप कर लो, फिक्स टू थ्री डेसिमल प्लेसेस, बाद में कैलसी में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस नाइन करके टाइप कर लो। पावर लेके थ्री माइनस फोर अल्फा टू एक्स माइनस नाइन, कैलकुलेट एक्स की जगह में टू डालो तो आंसर क्या आता, माइनस नाइन। और एफ ऑफ थ्री एक्स की जगह में थ्री डालो सिक्स। अब क्या करना, रूट लाइज बिटवीन देखो ये रूट्स आपको टू और थ्री, इसमें मिनिमम फर्स्ट यहाँ लिखना, टू और थ्री में मिनिमम टू है ना, टू इधर लिख लो बाद में थ्री लिख लो। अब हमारा ये हुआ, ये बी हुआ, इधर फर्स्ट इटरेशन लिख लो, फर्स्ट इटरेशन ये इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री। अब देखो एफ ऑफ ए कर लेंगे, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू की वैल्यू माइनस नाइन। एफ ऑफ बी कर लेंगे, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ थ्री, उसकी वैल्यू सिक्स। अब फर्स्ट एक्स वन फाइंड कर लेना है, उसका फार्मूला ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आप क्या करो, कैलसी में ऐसा टाइप कर लो, ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ऐसा टाइप कर लो। अल्फा ए अल्फा वाई माइनस अल्फा बी अल्फा एक्स डिवाइड बाई अल्फा वाई माइनस अल्फा एक्स, ऐसा टाइप करने के बाद कैलकुलेट मारो, ए इज टू वाई इज सिक्स बी इज थ्री एक्स इज माइनस नाइन, आंसर 2.600। और 2.6 भी लिखे जाए। अब एक्स वन होते ही सेकेंड इटरेशन करना होगा आपको, सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में आपको एफ ऑफ एक्स वन फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.600। इधर देखो ए सी प्रेस करो, बाद में ऊपर जाओ, यहाँ ऑन मत प्रेस करो, ऑन किया तो ये मेमोरी से चल जाएगा और पहले से टाइप करना होगा। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन है ना, इसे एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कैलसी में मार लेके कैलकुलेट मारो, इधर 2.6 ही वैल्यू चाहिए, 2.600, उसका आंसर माइनस 1.824 है, माइनस 1.824। अब ये आंसर नेगेटिव आया है,
ये सेलेक्ट करना ही होगा आपको, ये दो में पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। अब ये एक रूट है, ये एक रूट है। अब रूट लाइज बिटवीन लिख के इसमें दो में लेस फर्स्ट लिखना है, बाद में ग्रेटर लिखना है। रूट लाइज बिटवीन, ये है, ये बी है, ये इज 2.600, बी इज 3। एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ 2.600, उसका आंसर माइनस 1.824। एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ 3, उसका आंसर 6। अब ए टू इज इक्वल टू फार्मूला ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एक्स टू इज इक्वल टू आपको कैल्सियम है, ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स चाहिए, इधर ही रहता है वो, इसे प्रेस करने से आएगा। कैलकुलेट मारो, ए इज 2.600, वाई इज 6, बी इज 3, एक्स इज माइनस 1.824, आंसर इज 2.693। 2.693 अब क्या करना है, थर्ड इटरेशन करना है। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स टू फाइंड कर लो, एफ ऑफ 2.693, इधर एफ ऑफ एक्स को टेक करना है, इधर ही रहेगा, इधर ये मारने से मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस, नहीं ये एफ ऑफ एक्स है वो, कैलकुलेट मार के एक्स वैल्यू मारो 2.693 माइनस 0.242। अब देखो ये नेगेटिव मिला है, इसमें पॉजिटिव सेलेक्ट कर लो। अब रूट लाइज बिटवीन क्या होगा, देखो दो रूट सेलेक्ट करना है आप, ये एक और ये एक, इसमें से मिनिमम लेफ्ट में आना है, ग्रेटर राइट में आना है 2.693, 3। अब ये है, ये बी है, ए इज इक्वल टू 2.693, बी इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.693 इज इक्वल टू -0.242, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का आंसर 6। एक्स 3 का फॉर्मूला ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। कैलसी में ये वाई माइनस बी एक्स पर वाई माइनस एक्स मारना है, कैलकुलेट मार के ये इज 2.693, वाई इज 6, बी इज 3, एक्स इज -0.242, आंसर 2.705। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ इटरेशन, फोर्थ इटरेशन ये देखो, एक्स टू 2.693 है, एक्स थ्री 2.705, सेम ऐसा करना होगा आपको। एफ ऑफ
एक्स थ्री इज इक्वल टू, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स थ्री फाइंड कर लो, एफ ऑफ 2.705। देखो इसे एफ ऑफ एक्स मार के कैलकुलेट मारना है आपको, 2.705 माइनस 0.027। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देखो इसके दो के दो रूट भी मार्क कर लो, ये भी। अब रूट लाइज बिटवीन, देखो फर्स्ट मिनिमम बोलना होगा 2.705, बाद में ग्रेटर, बाद में 3 आएगा। क्या लिखना है, रूट लाइज बिटवीन, अब ये है, ये बी है। अब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.705 कितना है, माइनस 0.027। एफ ऑफ बी का तो एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री कितना है, 6। नेक्स्ट एक्स फोर फाइंड करना है आपको, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो कैलसी में आपको ए वाई माइनस बी एक्स बाई वाई माइनस एक्स सेलेक्ट करना है, कैलकुलेट ए इज 2.705, वाई इज 6, बी इज 3, एक्स इज माइनस 0.027, 2.706। तो अब एफ ऑफ एक्स फोर्थ फिफ्थ इटरेशन करना है आपको, स्टार्टिंग एफ ऑफ एक्स फोर फाइंड करना है। एफ ऑफ 2.706 फाइंड करना होगा, इसे एफ ऑफ एक्स को जाओ कैलकुलेट मारो, एक्स की जगह 2.706 मारो। तो शिफ्ट देखो, ये लास्ट में टू नंबर ऐसा का कर लो, एक नंबर है 009 ना, इसे टू नंबर ऐसा कर लो, शिफ्ट मोड एक डेसिमल ज़्यादा कर लो, शिफ्ट मार के मोड मारना होगा, बाद में 6 मार के 5 डेसिमल को फिक्स करना होगा, सॉरी 4, 3 था ना 4 को कर लो, शिफ्ट मोड 6 4। क्या होगा आंसर, ये माइनस 0.0995। यहाँ पे ये चीज़ याद रख लो, चेंज टू 4 डेसिमल एंड अगेन चेंज टू 3, ये लिखने के बाद अगेन चेंज टू 3 डेसिमल, अब देखो 3 को चेंज करना होगा, शिफ्ट मोड 6 3। अब देखो ये नेगेटिव आया है, इसमें पॉजिटिव सेलेक्ट करना होगा। अब आपके पास रूट 2.706 और 3 हैं, इसमें लेसर आके 2.706 फर्स्ट आता है, बाद में 3 आता है। अब रूट लाइज बिटवीन, रूट लाइज बिटवीन 2.706 3, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, ए इज 2.706, बी इज 3, एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ 2.706 इज इक्वल टू माइनस 0.0095, एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का आंसर 6, एक्स फाइव इज इक्वल टू
ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एक्स फाई इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट मारो, ए इज 2.706, वाई इज 6, बी इज 3, एक्स इज माइनस 0.0095, 2.706 सेम आया है, इधर पे रोक दो, इतना ही आंसर है। द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।